12 साल बाद रोहित शर्मा को रिलीज करने जा रही है मुंबई इंडियंस। सूर्या नहीं बल्कि ये खिलाड़ी बनेगा मुंबई इंडियंस का नया कप्तान। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी आईपीएल मैच को करते हैं पसंद तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों आईपीएल झरतेज खत्म हुए बस चंद ही महीने गुजरे हैं। 27 मई को आईपीएल झरतेज का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग टीम ने गुजरात टाइटंस को शानदार तरीके से फाइनल में हराकर पांचवी बार खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों आईपीएल झरतेज के बाद अब सभी टीमों ने आईपीएल 2024 की तैयारियां शुरू कर दी। इसी बीच खबर आ रही है कि मुंबई इंडियंस की टीम अगले सीजन में होने से पहले बड़े खेमे में बड़े बदलाव करने जा रही है। 12 साल के बाद टीम का कप्तान बदलने जा रहा है। दोस्तों रोहित शर्मा को टीम आईपीएल 2024 में कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त करने जा रही है। उनकी जगह मुंबई इंडियंस का खेमा इन खिलाड़ियों को कप्तान बनाने के विचार में है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों सभी टीमों ने अपने अगले आगे सीजन के लिए अपनी अपनी टीमों को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में अगले आईपीएल सीजन से पहले मुंबई इंडियंस के खेमे से कई बड़े बदलाव देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम पिछले कुछ सालों से काफी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। 2023 में मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाई थी, लेकिन मुंबई इंडियंस की खिताबी रेस से गुजरात टाइटंस ने भी रोक दिया था। कप्तान रोहित शर्मा ने भी आईपीएल 2023 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। पूरे 14 मैचों में सिर्फ 1-2 मैचों में उनका बल्ला चला था। रोहित शर्मा आईपीएल में अब पहले की तरह कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं और न ही बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल 2024 से पहले कप्तानी से हटा सकती है। दोस्तों आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस की टीम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मुंबई इंडियंस के फैंस को इस खबर को सुनकर थोड़ा हैरानी हो सकती है कि अगले सीजन रोहित शर्मा को टीम के कप्तान नहीं बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस हो रही है उससे कप्तानी छीनी जा सकती है। उनकी जगह पर दिग्गज जसप्रीत बुमराह को नया कप्तान बनाया जा सकता है। दोस्तों रोहित शर्मा के बाद अभी जसप्रीत बुमराह भी टीम में सीनियर खिलाड़ियों में से हैं। उनकी उम्र भी उनके पक्ष में जाती है, तजुर्बा भी उनको बहुत है। जो नहीं होना चाहिए कि अगर आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से टॉस करने जसप्रीत बुमराह आए। तो हाल ही में जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया का कप्तान बनाकर आयरलैंड भेजा गया था, जहां उन्होंने अपनी कप्तानी में शानदार प्रदर्शन भी करके दिखाया। न सिर्फ उन्होंने टीम को 2-0 से सीरीज में जीत दिलाई जबकि शानदार प्रदर्शन भी करके दिखाया, खुद प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना। इस खबर के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।